मंदिर की जो खोज की वो गाय ने की है। ये गाय के पैर में निशान दे रखे नहीं होते थे और मृतक कुछ पद के लिए यहाँ जिंदा होता था, उसके बाद उसकी डेथ। आज हम आपको लेके आ गए हैं ये लाखा मंडल के मंदिर में और ये हमारी चक्राता वाली सीरीज ही चल रही है, ये उस सीरीज का लास्ट वीडियो है। तो आज हम आपको लेके आए हैं लाखा मंडल में और ये यहाँ पर काफी फेमस और प्राचीन मंदिर है। और देखिए बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर मेन मेन चीजें दिखाएं। और यहीं पर हमें एक मंदिर में जो अपना सेवा दान देते हैं वो मिल गए हैं, वो हमें इस मंदिर की मान्यता के बारे में बहुत ही अच्छे से बताएं, तो आपको मिलवाते हैं उनसे। आज हम आपको लेकर आए हैं लाखा मंडल के मंदिर में और यहाँ पर इसकी काफ़ी मान्यता है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है लाखा मंडल का। तो यहाँ पर हमें ये बीआर काला जी हैं जो हमें इस मंदिर की मान्यता के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कब ये बना, अच्छे से हमें सब चीज़ें बहुत अच्छे से हमें बताएंगे इसकी मान्यता के बारे में। तो चलिए हम इन्हीं से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। नमस्कार जी, ये मंदिर है ये ऐश्वर्या ने बनाया। ऐश्वर्या जालंधर राजा के पुत्र के निर्धन होने पर उसने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो लोग बोलते हैं कि लाख से गिरह यहाँ है, लाख से गिरह यहाँ नहीं है, लाख से गिरह मेरठ बरनाव के पास है, भागवत के बीच हस्तिनापुर का लिंक है। अब जैसे मैप रीडिंग कोर्स किया हमने और इंटेलिजेंस कोर्स पूना पंचायत किया महाराष्ट्र में, तो कहने का मतलब वैसा है कि मंदिर के बारे में सही बोलो गलत मत बताओ। जी जी। कोई बोलता है मंदिर ऊपर से बना, हमेशा फाउंडेशन नीचे से होती है। हाँ, तो पांडव लोग जब यहाँ आए तो अज्ञात बात क्या है, उन्होंने एक साल इस एरिया में बिताया और विराट के साथ नौकरी की अपना भेद बदल करके। विराट खाई कहाँ है, यहाँ चक्रते के पास नारथात हमारा प्लाटून हेडक्वार्टर था, वहाँ से 6 किलोमीटर विराट खाई है जिसके खंडर फिर भी पड़े हुए हैं। जो भीम था वो रसोया बना और जो नाचने वाला बना और नकुल सहदेव गाय हाँकने वाले बने, ताकि दुर्योधन को पता न चले। अब लाखा मंडल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे 125,000 शिवलिंग की स्थापना है, 365 मंदिर है जो मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसे बोलते हैं पुरातत्व विभाग सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ये जो मंदिर है ना इस बीच में, हाँ जी, ये मंदिर, हाँ दिखाओ उधर, ये पीछे वाला नहीं लंबाई में, हाँ जी, ये जो मंदिर है इस मंदिर की खोज गाय ने की है। जी। गाय जमुना तब के आती थी ना और अंदर सिद्धिंग के चारों थन से दूध की धार डालती थी, तो गाय ने इस मंदिर का अन्वेषण किया। जी। यहाँ कोई पुजारी नहीं था, इसकी गाय थी, उन्होंने हमारे बुजुर्गों को पुजारी लाया। अच्छा, हम यहाँ से नहीं, हम पौड़ी से हैं, सुमारी गांव, पौड़ी में पड़ता है सुमारी, जिस गांव में ISPCS से कम कोई नहीं है। जी। तो हमारे बुजुर्ग लोग इस मंदिर के लिए पुजारी लाए गए। जी। छाता उड़ जाएगा भैया। जी। अब जैसे पहाड़ी दिखाई दे ना हमारी, हाँ जी, ये जमुना नदी इतने ऊंचाई पे थी, कट कट के गुफाएं बनी है, कहाँ यमुना नदी कितनी गहरी चले गए। जी। सामने खेती करते होंगे, हम काश्कार है, मैं मंदिर में सब चीजें एक बार घुमा के बताएंगे, हम बताएंगे सब चीज बताएंगे, हाँ जी, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर है, वो अच्छे से जान पाए कि यहाँ के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, देखे, इसकी मान्यता को समझे। हाँ जी, इन्होंने मंदिर के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है, अब ये हमें सारा मंदिर घुमाएंगे और एक एक चीज़ें बताएंगे कहाँ पर क्या है, कब बना था, ये समझाएंगे, लेकिन हमें अंदर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं मिली है, तो आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। पहले अंदर के बारे में बता दें, जहाँ पे शिव मंदिर होता है वहाँ बैलों का मुँह हमेशा शिव की तरफ है। हाँ, ये जो खंडित किए मुगलों ने खंडित किए, जहाँ भी औरंगजेब गया उन्होंने हैमर से तोड़ रखे, अंदर जो मूर्ति है वो शिव पार्वती है, पार्वती जी के पैरों में निशान है कन्या रूप में, अष्टग्रह है, नवग्रह है, विश्वकर्मा है, जो मंदिर बनाते हैं। अब आ गया और यहाँ जैसे रेड रंग का जो शिवलिंग है ना, लाल रंग का, हाँ जी, ये त्रेता युग का, ये श्वेत वन दक्षिणी भारत रामेश्वर में पाया जाता है, बाल और रेत का बना हुआ, इस कलश को पर इसकी स्थापना की गई है। यहाँ से आ जाए,
ये ग्रीन रंग का जो शिवलिंग है ना हरे रंग का, ये कॉपर युग का है जबकि कृष्ण का अवतार हुआ। वैसे यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है, 365 मंदिर है जो मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसे बोलते हैं पुरातत्व विभाग सर जाती है। अब यहाँ से जैसा ये मंदिर है, इसका नक्शा वैसे केदारनाथ के मंदिर से मिलता है, परंतु इसका जागेश्वर बागेश्वर तुंगनाथ का नक्शा यही है। कहने का मतलब इस मंदिर की जो खोज की वो गाय ने की है। ये गाय के पैरों निशान दे रखे हैं, ये खुर के निशान देखे हैं, ये खुर के निशान दे रखे हैं गाय के, हाँ ये वाले, हाँ ऊपर शिव है, नीचे सरस्वती और बिना लेकर के। तब आगे चलो, यहाँ से क्योंकि शिव मंदिर की आधी परिक्रमा होती है जी। ये जलेरी है, इसको रोशनी करते हैं जी। ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता महिषासुर राक्षस का वास कर रहे हैं ना भैंस के रूप में जी। तो शिव मंदिर की आधी परिक्रमा होती है जी। अब यहाँ से वापस चलना होगा, ये जो ये ब्लैक रंग की दीवार है ना, ये अंग्रेजों ने दे रखी, जब अंग्रेजों का शासन था जी। द्वारपाल है खड़े गेट के ऊपर जी। कौन है? देव और दानव, ये देवता है और ये राक्षस है जी। राक्षस की पहचान कहाँ से? मशान का निशान है, खोपड़ी के हड्डी का निशान है। आदमी जब पहले मरते थे तो 24 गांव के मृतक यहाँ लाए जाते थे और डेड बॉडी इनके बीच में रखते थे जी। और मृतक कुछ पद के लिए यहाँ जिंदा होता था, उसके बाद उसकी डेथ होती थी। अब आगे चलो यहाँ से। ये खेत था ना यहाँ पे, यहाँ फसल बोते थे जी। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2007 में इस खेत की खुदाई की, ये सारे मंदिर ये दबे हुए थे, इस पर निकले आज 12 साल हो गए। अच्छा अच्छा, जो छोटे छोटे शिवलिंग है यहीं से निकले? ये सब इसी जगह दबे हुए थे जी। ये दीवार पहले की दबी हुई थी, ये सीमेंट तो बाद में लगाया गया जी। ये मतलब 2007 में इस खेत की खुदाई की है। अब ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो शिवलिंग ये दिखाई दे रहे हैं, यहीं से निकले हैं, इसी जगह उत्पन्न है जी। अब आगे आओ यहाँ से। ये धर्मराज एडुस्टर है जी। यहाँ पे पांडवों की सभा बैठती थी और न्याय करते थे जी। ये चार स्तंभ के बीच में नहीं, इसको बोलते हैं धर्मराज एडुस्टर, मतलब पांडवों के बड़े भाई है, हाँ ये उनके चारों भाई के बीच में धर्मराज। ये पुराना मंदिर ये था जी। ये मंदिर तोड़ा गया, कहते हैं इसके नीचे इतना धन है कि जो पूरे संसार के लिए इतना धन इसके नीचे दबा हुआ है जी। जब अंग्रेजों का शासन था जी, तो उन्होंने धन निकालने की जब कोशिश की तो सांप बजकर सब खड़े हो गए। अब पीछे से देखिए मंदिर का गेट है, ये गेट है ना मंदिर का पश्चिम दिशा जी, जी। ये आगे नमस्कार करो और ऐसे पर कर लो। शिव भगवान की आदि होती है, युधिष्ठिर ये स्वरूप ही है। यहाँ से देखो आप, मंदिर के कलश है ना, ये सब के खुदाई में निकले हैं जी। ये छोटा कलश है ना मंदिर का, ये हाँ जी। और उस मंदिर को देखो कितना बड़ा है जी। ये भी आप बोलो जी जी जी। अब यहाँ से ये जो बीच में लगा हुआ कलश, ये कलश ये कितना छोटा कितना बड़ा है? कौन से कलश डालेगा? ये अंधों के लिए नहीं, अंधा आदमी पढ़ सकता ब्रेल लिपि।
नया आदमी इसको पढ़ सकता है। हम लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये अंधों के लिए नहीं, जो जी, जी, वैसे जिनके आँख नहीं है, ये वो वाली लिपि लिखी हुई है। अब यहाँ से आ जाए तो स्पर्श करके पढ़ा जाए। जैसा ये खेत है नहीं, जी, इस खेत का लेवल वहाँ तक होता ऊपर तक, जी, कितने खुदाई में ये निकले, इसके नीचे पता नहीं और कितने मंदिर होंगे। ये सब शिवलिंग यहीं से निकले, ये दबे हुए थे सारे। हाँ जी, काफी सारे शिवलिंग निकले हैं ये। भगवान शिव को समर्पित नागर शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं-13वीं शती ईस्वी में हुआ। इस क्षेत्र से बहुत आयात में पाए गए अंगों, वास्तु अंगों और मूर्तियों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि पूर्व में यहाँ अनेक शिव मंदिर रहे होंगे, परंतु वर्तमान में केवल यही शिव मंदिर शेष बचा है। विभाग द्वारा विगत वर्षों में किए गए कार्यों के फलस्वरूप मंदिर परिसर में अनेक लघु देवालय प्रकाश में आए। प्रस्तर निर्मित पिरामिडाकार संरचना के नीचे के स्तर में पाए गए ईंटों द्वारा निर्मित संरचना के आधार पर लाखा मंडल की प्राचीनात्मक तिथि 5वीं से 8वीं शती ईस्वी तक आंकी जाती है। मंदिर परिसर से ही प्राप्त 6वीं शताब्दी के एक प्रस्तर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सिंहपुर के राज परिवार से संबंधित राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त, जो जालंधर के राजा का पुत्र था, के निधन पर उसकी सदगति एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आप गए। अच्छा, वो मंदिर जी आप आ गए। चौबीस गाँव के मिनट तक इस रास्ते से लाते थे ना, और द्वार पार के समय डेढ़ बोरी रखते थे। जी जी, यहाँ से लेकर आते थे। हाँ जी, सबसे पहले काली माता उत्पन्न हुई है, ये है जाए काली ना, जिसकी जैसे गर्मियों किसी उल्टी दस्त हुए ना, अच्छा अच्छा, इसकी पूजा करो तो सबको खटाने वाली, ये सबसे पहले काली माता निकली जी जी पिंडी रूप में। ये जब से गांव में हैजा फैलता है, हाँ, तो इनकी पूजा करते हैं तो वो दूर हो जाता है। हाँ, कोई भी बीमारी होती है इनके दर्शन करने से। हाँ, इसके सबसे पहले यही काली माता उत्पन्न हुई जी। जल ले लो, जल ले लो, यहाँ से जल चढ़ा इसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपना फेस दिखाई देता है। ये जो शिवलिंग है ये ग्रेनाइट पत्थर है जी, इस पट्टी नहीं है, ग्रेनाइट है जी, ये ग्रेनाइट पत्थर है। इधर से आक्रमण करके ना, यहाँ से आक्रमण करो, यहाँ से जम करो और इसमें अपना फोटो आप ले सकते हैं। हाँ जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना जी। फ्रेंड्स, इन्होंने हमें पूरा मंदिर बहुत ही अच्छे से घुमाया है, बहुत ही अच्छे से बताया है, और हम लोगों ने भी आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छे से आपको भी दिखाया, ताकि आप भी हमारे, आपको ऐसा ना लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको भी ऐसा ही लगे कि आप भी हमारे साथ घूमने ही निकले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने भी आपको ये अच्छे से सब चीज़ें दिखाई हैं, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया है। इन्होंने, कुछ लोग इसको लाक्षाग्रह भी मानते हैं, और इसके लिए वहाँ पर लाक्षाग्रह भी लिखा रहता है कि लाक्षाग्रह, लेकिन इन्होंने हमें अच्छे से बताया कि ये लाक्षाग्रह नहीं है, ये लाखा मंडल का मंदिर है। यहाँ पर पांडव कभी आए थे, उन्होंने ये बनाया था, लेकिन ये लाक्षाग्रह नहीं है। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आपको अभी वीडियो को बंद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक पांडवों की गुफा भी है। हम उसको इसके बाद आपको वहीं पर लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर गुफा में ही एक शिवलिंग है, छोटी छोटी कई सारी गुफाएं हैं, एक गुफा में वहाँ पर एक शिवलिंग है, और उस शिवलिंग पर हमेशा पानी गिरता रहता है। हाँ, तो इसलिए आप इसको अभी स्किप मत करिएगा, आपको वहाँ पर भी जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको लेकर फिर वहीं पर चलते हैं। बीआर काला जी, आपने हमें मंदिर के बारे में बहुत अच्छे से बताया, सारी जानकारी हमें दी, उसके लिए हमारे सारे दर्शकों से, मेरी पूरी परिवार के, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये मंदिर से ही हम आपको चारों तरफ का ये व्यू दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद ही हम आपको प्राकृतिक गुफा में लेकर चलेंगे। और ये हम आपको लेकर आए हैं प्राचीनतम ये पांडव गुफा है, पांडवों ने भी इसका निर्माण किया है और इसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी अंदर और भी बहुत सारी गुफा है जिसमें एक शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग है और वहाँ पर जल अपने आप ही गिरता रहता है, हमेशा जल उसके ऊपर गिरता रहता है। तो इसमें छोटी छोटी गुफाएँ हैं, इसे आप देख सकते हैं। चलिए बंदर से भी आपको थोड़ा दिखा देते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए टॉर्च दिखाना, टॉर्च देना। ये जल टपकता रहता है इनके ऊपर। हाँ जी, और देखिए ये हैं छोटी छोटी सी प्राकृतिक गुफाएं।